अगर आप भी अपने लोकेशन में, अपने एरिया में, अपने सेंटर में एक पैन कार्ड का आईडी लेना चाहते हैं, पैन कार्ड पैम आईडी लेना चाहते हैं, मतलब कि आपको अनलिमिटेड पैन कार्ड बनाना है या फिर करेक्शन करना है, तो आप इसका आईडी लेकर काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा अगर आप ऑलरेडी पैन कार्ड सर्विस चला रहे हैं तो वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्शन आता है या फिर CSE से भी जो भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं वहाँ पर काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन ये आईडी लेने के बाद आपको ऑब्जेक्शन का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपको सपोर्ट भी बढ़िया मिलता है। सो, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कैसे आप पैन कार्ड का आईडी ले सकते हैं, कैसे यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी डाल के लॉगिन करेंगे, कैसे पैन कार्ड बनाएंगे, कैसे करेक्शन करेंगे। इसका तो प्रोसेस दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ में दिखाऊंगा कि आप जब आप यहाँ पर आईडी ले लेंगे तो कैसे आपका नाम ऑनलाइन पे भी शो करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, जो कि लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया हूँ, जाके आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको जो यूजर आईडी मिलेगा आपको यहाँ पर डालना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने आपका नजर आ जाएगा आपका डैशबोर्ड। आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस का एक मेनू मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पहले पे मिलेगा इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, जो कि हमारा पैन कार्ड का है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो है आप इंडिविजुअल के लिए, फॉर्म के लिए, कोई भी करस्पोंडेंस ऑफिस के लिए, ट्रस्ट के लिए, कोई कंपनी के लिए, गवर्नमेंट का कोई भी बनाना है पैन कार्ड तो बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करता हूँ तो पैन कार्ड बनाने का जो सिस्टम है सभी प्रोसेस सेम है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ईजी कर दिया है। आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स देना है, यानी कि एप्लीकेंट का डिटेल्स देना है जिसका पैन आपको बनाना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर आप देखिए ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो कि आप यहाँ पर इंडियन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम एज पर आधार आपको यहाँ पर लिखना है आधार कार्ड में क्या नाम है, और नीचे आपको लिखना होगा पैन कार्ड डिस्पैच स्टेट पे आपको क्लिक करना है और अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल्स देना है, यानी कि आधार कार्ड देने के बाद नंबर देना है। अभी आपको मेन डॉक्यूमेंट जो देना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है ताकि आपका आधार कार्ड में जो नाम है यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड में आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। पैन कार्ड बहुत ही जल्दी 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा। और अगर आपको पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा पैन चेंज रिक्वेस्ट रिप्रिंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पैन कार्ड को करेक्शन करने का ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, जो कि NSDL के ऑफिस की तरफ से आपको मिलता है, क्योंकि जब भी आप UTI के थ्रू कोई भी पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो बंदे का आप UTI में अप्लाई करेंगे करेक्शन के लिए, वहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्शन आया होगा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको यूटिलिटी की तरफ से बहुत ही सेफ एंड बहुत ही सिक्योर के हिसाब से आपको यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी आपका पैन कार्ड नंबर रेडी हो जाता है, और अगर आपको करेक्शन करना है तभी आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इसके बारे में, अगर आप AID लेते हैं तो आपका नाम जो है आपका सेंटर का नाम ऑनलाइन पे भी शो करेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से शो करेगा। आपको आना है google.com पे, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा tin.nsdl.com पैन सेंटर, आपको मिलेगा यहाँ पर सर्च पैन कार्ड सेंटर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा होगा सर्च पैन सेंटर्स नियर योर लोकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी लोकेशन में आप सेलेक्ट किए होंगे उसमें कितना लोग NSDL लॉगिन मैनेजर पैम आईडी लेकर चला रहे हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसमें आपको आईडी कैसे एक्टिव करना है, आप ये NSDL लॉगिन मैनेजर पैम आईडी कैसे ले सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो के नीचे या फिर स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा नंबर, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप आईडी ले सकते हैं। आईडी का कॉस्ट फिलहाल के लिए 600 रुपया है एक आईडी का, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये जो NSDL ई गवर्नमेंट सर्विस यूटिलिटी का, आपको इसे डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करने के बाद ही ये चलता है, जो कि फुल्ली सिक्योर होता है। इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार यहाँ पर आईडी ले लेंगे तो आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट इनको देने होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा आधार कार्ड, इसके बाद पैन कार्ड,
आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। साथ में आपको यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर भी देना होगा जो कि मैंडेटरी है। अगर आपके पास पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट रेडी है तब आप ये सारा डॉक्यूमेंट देके आईडी तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप इनसे ही कॉन्टैक्ट करके बहुत ही कम रेट में डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने यहाँ बनाना है किसी के पास तो अपने यहाँ भी बना सकते हैं। एक बार यहाँ पर आईडी ले लेते हैं तो जब आप काम करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं भी करेंगे तो आप सीधे ही हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ये जो बिजनेस करता है उससे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड हो अपने रिलेटिव्स हो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको बिजनेस करने में मदद कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।